वेलकम टू मैन्यू टी वी व्यूवर्स आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे खैरियत से होंगे और आज बहुत गर्मी के इस मौसम में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्री ए सी की इनडोर फिल्टर क्लिनिंग की सफ़ाई कैसे की जाती है इनके फिल्टर्स को साफ करने का तरीका बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तो जी सबसे पहले तो आपने अपने इनडोर का जो है वो ओपन कर लेना है मेन जो उसका ढक्कन है वो पा लिया हमने तो हम आ, इनके जो पॉइंट्स बने हुए हैं उन जालियों को बड़े ही आराम से निकालेंगे क्योंकि ये जालियाँ फटने का बहुत ज़्यादा डर होता है खदशा होता है क्योंकि बारीक होती हैं तो नहायत आराम से निकालेंगे ये देखें इन पे डस्ट आप देख सकते हैं किस कदर ज़्यादा डस्ट जम चुकी है इन पे और बिल्कुल भी हवा गुजरने का जो रास्ता होता है वो नहीं बचता जब इस तरह का जालियों पर डस्ट लूदा हो जाता है सब कुछ तो अब हम इन जालियों को धो लेंगे इन्हें अच्छी तरह से हमने धोना है कोई भी ब्रश वग़ैरह हम इन पे नहीं मारेंगे सिंपल हमने कपड़ा या हाथ की मदद से इनको जो है वो साफ़ करना है अब मैं इस पे पानी डाल रही हूँ तो आप इसकी देख रहे होंगे कैसे वो मिट्टी जो है वो निकल रही है और काली और जालेदार वो फील हो रही है जब ये जाले आगे आ जाते हैं तो जाली बिल्कुल बंद हो जाती है ये देखें आप किस तरह काली किस्म की डस्ट इसमें से निकल रही है और इसी तरह हम इस सारे फिल्टर को साफ कर लेंगे हमने कोई भी ब्रश नहीं इस पर चलाना क्योंकि ये जालियाँ बहुत नाज़ुक होती हैं आप कोशिश करें हल्के हाथ की मदद से उसे साफ करें और साथ ही यहाँ पर हम जो इसी के अंदरूनी हिस्से हैं उन पर भी कपड़े की मदद से डस्टिंग कर लेंगे ताकि जो भी पार्टिकल्स डस्ट के बच गए हैं उन्हें हम एक दफ़ा अच्छी तरह से साफ कर लें इनडोर अच्छी तरह से प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा तो कोशिश करनी है कपड़ा गीला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ आपने इन स्प्रिंग्स पर इसको मारना है कपड़े को ये स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे बेसिकली तो हम इन्हें आराम से पूरे एसी की जो है वो डस्टिंग कर रहे हैं और जी ये देखिए ये जा धोने के बाद हमने खुश कर ली हैं और अब आप इनकी हालत देख सकते हैं वाज़ फ़र्क फील हो रहा है पहले इन पे डस्ट जमा थी और कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा काले रंग की हो चुकी थी और अब धोने के बाद खुश करने के बाद आप इन्हें देख रहे हैं जी कैसे इनमें से आर पार नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर जा रही हैं तो अब हम इन जालियों को वापस ए सी में फ़िट कर देंगे जैसे निकाली थी उसी तरह ही आराम से ख़ुद ही मूव हो रही हैं अंदर और इन्हें हम जाके फ़िट कर देंगे ए सी में इसी तरह हम जो दूसरे हिस्से की जालियाँ उसे भी फ़िट कर देंगे नहायत आसान तरीक़ा है कोशिश करें जालियों की हिफाज़त करें और इन्हें आप धो लें और इसी तरह हमने ये देखें जी कितने आराम से ये दोनों जालियाँ जो हैं वो फ़िट हो गई हैं ये था इंतहाई बहुत ही सादा सा और आसान सा तरीका फिल्टर क्लीनिंग का एसी की और इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमने जी इंडोर का जो है वो बंद कर दिया प्रॉपर ढक्कन और इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे तो व्यूअर्स ये थी आज की एसी की फ़िल्टर क्लीनिंग की सफाई आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मज़द अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए Manu TV